पुष्कर के मेला मैदान में आयोजित हुआ उपखंड स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह, उपखंड अधिकारी निखिल पोद्दार ने किया झंडारोहण। सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों ने दी देशभक्ति गीतों पर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां। विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और बच्चों को किया गया सम्मानित। तीर्थ नगरी पुष्कर में 15 अगस्त को 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह पुष्कर के मेला मैदान में आयोजित किया गया। उपखंड स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में पुष्कर के सरकारी और निजी विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति से उत्प्रोत गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी, तो वहीं व्यायाम और पीटी परेड का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार ने झंडारोहण कर स्वाधीनता दिवस समारोह का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस के उपखंड स्तरीय समारोह में SDM निखिल कुमार पोद्दार, तहसीलदार सृष्टि जैन, नायब तहसीलदार नीलम राठौड़, CI राकेश यादव, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, धर्मेंद्र नागोरा, रोहन बाकुलिया, मुकेश कुमावत, महेंद्र सिंह खंगारोद, शंभु चौहान, धीरज जाधव, अरुण वैष्णव, जितेंद्र उर्फ हल्दर पाराशर, संदीप पाराशर, अशोक पाराशर, घनश्याम भाटी, हरीश धौलपुरिया, जगदीश कुड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ पुष्कर के आमजन मौजूद रहे। पुष्कर के सभी जनप्रतिनिधिगण, पुष्कर उपखंड के उपखंड स्तरीय अधिकारीगण, पुष्कर के समस्त नागरिकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का स्वाधीनता के 78वें दिवस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वाधीनता संग्राम के इस अवसर पर सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन लाखों वीर शहीदों का, जिनके बलिदान की वजह से आज हम इस स्वतंत्र आबोहवा में सांस ले रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से स्वाधीनता संग्राम दिवस मना रहे हैं। बड़ा ही विचारणीय विषय है कि क्यों इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाया जाता है। इसका कारण है कि हम उन वीर शहीदों के बलिदान को याद करें, उन्हें नमन करें और इस आज़ादी की महत्ता को समझें कि किस कठिनाई से और किस बलिदान से हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीना बहाकर हमारे लिए आज़ादी हासिल की है, तो हम इसके महत्व को समझें और उनके बलिदान को याद करें। आज़ादी के 77 वर्ष बाद आज भारत ने विश्व भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ने अंतरिक्ष, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इसी दिशा में आगे कार्य करते रहें और भारत की उन्नति में सहयोग करें। यहाँ उपस्थित अनुभवी लोगों से मेरा निवेदन है, अपनी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करें और युवाओं से अनुरोध है कि वे अपने विकास में उत्तरोत्तर कार्य करें, जिससे ना सिर्फ स्वयं का नाम रोशन बल्कि अपने देश का नाम रोशन करें और देश के विकास में योगदान दें। क्योंकि बारिश का समय है और आप सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहते हैं और कुछ बच्चे हैं जो अपना पारितोषिक ग्रहण करना चाहते हैं, तो अधिक समय नहीं लेते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।